डिकस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स इज अस्फेयर कैन रोल ऑन अर्फेस इनक्लाइंड एट एन एंगल थिएटा इफ द फ्रिक्शन कोफिशियंट इज मोर दैन टू बाई सेवन टेन थीटा सपोज द फ्रिक्शन कोफिशियंट इज वन बाई सेवन ऑफ टेन थीटा इफ आ स्फेयर इज रिलीज फ्राम रेस्ट ऑन द इनक्लाइन फाइन सो देखो इस तरह से हमारे पास एक रफ इनक्लाइंड सरफेस है लेट्स अ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा और यहाँ पे एक स्फेयर uh, है जिसे हम रेस्ट से रिलीज करते हैं नाउ यू कैन सी कि कितने फोर्सेस लगेंगे एक तो एम लगेगा यू कैन डायरेक्टली राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एम जी देट इज़ एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा देन देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द इनक्लाइन सरफेस एंड देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स राइट एंड इफ म्यू इज इक्वल टू टू बाई सेवन ऑफ टेन थीटा सो उस केस में क्या होगा प्योर रोलिंग होगा और फ्रिक्शन कितना लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा वाई बिकॉज दिस इज द मिनिम वैल्यू ऑफ म्यू जिसके लिए रोलिंग पॉसिबल है सो so अगर इतना म्यू है देन फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग लग जाएगा और ये जो स्फेयर है ये प्योर रोलिंग करेगा इट मीन्स पैरल टू द इनक्लाइन सरफेस कुछ लीनियर एक्जेलरेशन होगा ए और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगा विथ सम एगुलर एक्जेलरेशन अल्फा सो दैट ए इज इक्वल टू आर इन टू अल्फा इज वैलिड ना वॉट हैपन्स हम म्यू का वैल्यू टू बाई सेवन से वन बाई सेवन ऑफ टेन थीटा कर देते हैं सो यू कैन सी कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि लिमिटिंग लग रहा था जिसका वैल्यू एन इंटू म्यू था एन तो अभी भी कॉन्स्टेंट है दैट इज एम जी कॉस् थीटा म्यू का वैल्यू हमने हाफ कर दिया इट मीन्स फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया हाफ हो गया ना फ्रिक्शन के हाफ होने से क्या फर्क पड़ेगा लेट्स इनिशियली एक्सेलरेशन कितना था एक्सेलरेशन किस तरह से लिखोगे एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट वॉज मास इंटू एक्जिलेरेशन और अल्फा कैसे लिखोगे फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट राइट नॉर्मल रिएक्शन और एम का टॉर्क नहीं आएगा सो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क दैट इज़ एफ इंटू आर देट वॉज यूअर आई इंटू अल्फ़ा ना फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अगर मैं हाफ करता हूँ देखो एम जी साइन थीटा तो कॉन्स्टेंट रहेगा फ्रिक्शन का वैल्यू अगर हम हाफ़ करते हैं तो जो एक्जिलरेशन है लीनियर एक्जिलरेशन उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्रिक्शन फ़ोर्स का वैल्यू हाफ़ करते हैं देन अल्फा का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा नाउ इस इक्वेशन को देखो इनिशियली एज इक्वल टू आर अल्फा वैलिड था बट लीनियर एक्जेलरेशन का वैल्यू डिक्रीज लीनियर एक्जेलरेशन का वैल्यू इंक्रीज़ हो गया और अल्फ़ा का वैल्यू डिक्रीज हो गया सो so, ये जो इक्वेशन है ये अब वैलिड नहीं है राइट सो प्योर रोलिंग नहीं होगा रेदर ये जो आपका स्पेयर है ये पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस अभी भी कुछ एक्जेलरेट करेगा विद सम एक्जेलरेशन ए और रोटेट भी करेगा विथ्स सम एंगुलर एग्जेलरेशन अल्फ़ा बट ये इक्वेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा विल नॉट बी वैलिड राइट सो लेट सी द ऑप्शन इट विल स्टे एट रेस्ट नो इट विल नॉट स्टे एट रेस्ट इट विल मेक अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कब होता है जब म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो मीन्स फ्रिक्शन फोर्स अगर ज़ीरो हो जाता है उस केस में टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास नहीं होता उस केस में अल्फ़ा ज़ीरो हो जाता है इट मीन्स बॉडी रोटेट नहीं करती सिर्फ ट्रांसलेट करती है

अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो सो अल्फा के कारण ओमेगा चेंज होगा ओमेगा इंक्रीज होगा और बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द सेंटर ऑफ मास वो भी इंक्रीज होगा राइट सो आई थिंक यू हैव अंडरस्ट लेट मी नो इफ़ यू स्टिल हैव ओके वर्किंग हाइड बेस्ट ऑफ लफ बाई